हमारा जो न्यू यूनिट है दैट इज़ इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन हमने लास्ट यूनिट इलेक्ट्रो मैगनेटिज़म में ये देखा कि जब किसी कंडक्टर में करंट पास होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रो मैगनीटिक इंडक्शन इसके रिवर्स फिनोमेना इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन में कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन को अगर डिफ़ाइन करें किट्रो मैगनेटिक इंडक्शन क्या फिनोमेना है तो हम कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ई एम एफ ड्यू टू चेंज ऑफ मैगनीटिक फ्लक्स कि किसी भी कंडक्टर में करंट या ई एम एफ इंड्यूस हो और रीज़न क्या हो कि उस कंडक्टर में मैगनेटिक फ्लक्स का चेंज हो तो देट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन अब मैगनीटिक फ्लक्स का चेंज चाहे कंडक्टर के मूव करने की वजह से हो मैगनेट के मूव करने की वजह से हो मैगनेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से हो जब भी हमारे पास किसी कंडक्टर में मैगनीटिक फ्लक्स चेंज होगा ये लाजमी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें पास हो प्रेजेंट हो और वो चेंज हो तो वहाँ पर हमारे पास इंड्यूस होगा करंट और इंड्यूस होगा ई एम एफ हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज दो चीज़ें करेगा ये हमारे पास उस कंडक्टर में इंड्यूस करेगा ई एम एफ को और सेकेंड ये इंड्यूस करेगा करंट को क्योंकि तो ई एम एफ होगा तो ऑब्वियसली वहाँ करंट भी प्रोड्यूस होगा अगर सर्किट क्लोज है अब इंड्यूस ई एम एफ़ और इंड्यूस करंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इंड्यूस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ये हम आगे जाके फेरेडेज लॉ में भी पढ़ेंगे और सिमिलरली अगर फ्लक्स के साथ इंड्यूस करंट ई एम एफ का ताल्लुक है तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंड्यूस करंट के भी होगा याद रखिएगा कि जो इंड्यूस ई एम एफ होता है ये इंडिपेंडेंट होता है सर्किट की रेजिस्टेंस के और ओवरऑल हम कहते हैं कि सर्किट ओपन हो क्लोज हो ई एम एफ काल्लुक सर्कट से नहीं होता लेकिन इंड्यूस करंट याद रखिएगा रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से इंड्यूस करंट की वैल्यू कम होगी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और हमारे पास ई और करंट इंड्यूस होगा और आगे फिर ये चीज़ें हम डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ते हैं मोशनल ई के अंदर म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन के अंदर और इसी तरह से जनरेटर और ट्रांसफार्मर के अंदर तो क्या मैथड्स होंगे फ्लक्स को चेंज करने के पहली मैं ऑप्शन ये कहता हूँ कि मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन क्रॉस ये शो करेगा और यहाँ पर हम किसी कॉयल को चाहे वो सर्कुलर हो रेक्टेंगुलर हो हम उसको मूव करवाएं इस तरह से कि उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो जब वो कॉयल वहाँ मूव करेगी तो जब वो एंटर होगी और उसको लीव करेगी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मीन्स इस कॉयल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा किस डायरेक्शन में यह आगे जाके हम लेंजे लॉ में देखेंगे एक और एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक बार मैगनेट है और हम उस बार मैगनेट को मूव करवाते हैं टूअर्ड्स अ सॉली कोई भी कॉयल जो क्लोज हो और अटैच हो गलवानोमीटर्स से तो हमारे पास जब वो मैग्नेट मूव करेगा टूअर्ड्स फ्लक्स इंक्रीज करेगा और अब वो मूव करेगा अवे फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो दोनों केसेस में फ्लक्स चेंज होगा और हमारे पास इस सर्किट में करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा ये भी पॉसिबल है कि हम मैग्नेट को स्टैटिक कर दें और कॉयल को मूव करवाएं उसके टुवर्ड्स और उसके अवे तब भी सेम रिजल्ट होगा एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि किलट से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में और वहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉयल प्रेजेंट है जैसे जनरेटर की कॉयल हमारे पास प्रेजेंट हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो अगर हम इस कॉयल को रोटेट करवाते हैं कि इनपुट देते हैं मैकेनिकल एनर्जी तो कॉयल जब रोटेट करेगी तो रोटेट करने की वजह से इस कॉयल में मैग्नेटिक फ्लक्स ने चेंज होना है। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज इस कॉयल में इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा ये हम बात आगे जाके जनरेटर में करेंगे कि हमारे पास पोलैरिटी कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव किस एंड पे होती है एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लें क्लट से हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल और इन मैग्नेटिक पोल्स में ऑब्बियसली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ टू तो साउथ अब अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर किसी भी कॉयल को स्लाइड करके लेकर आते हैं तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि कॉयल के मूव करने की वजह से उसमें फ्लक्स चेंज होगा और ई एम एफ इंड्यूस होगा और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और कॉयल स्टैटिक है और हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का करंट चेंज करें तो वो भी करंट मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा और उसमें ई एम एफ इंड्यूस होगा और ये चीज़ हम ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं क्लर से हमारे पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं उनको हमने अटैच किया हुआ है एक गलवालो के साथ और इन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर प्रेजेंट है एक मूवेबल स्ट्रिप इस रीजन में हमने यू शेप मैग्नेट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया हुआ है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर पेंडिकुलर इन टू द प्लेन है अब अगर हम किसी भी तरह से इस स्लाइडिंग जो हमारे पास कंडक्टर है उसको मूव करवाएंगे तो कंडक्टर के मूव करने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा और यहाँ पर भी इंड्यूस करंट और इंड्यूस ई होगा और ये बात हम आगे जाकर मोशनल ई के टॉपिक में पढ़ते हैं कि हमारे पास वो जो ई एम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो किन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होगा नेक्स्ट पॉइंट एक एम के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरह से हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को इंक्रीज कर सकते हैं यानी हमसे ये भी कहा जा सकता है कि किस तरह से इंड्यूस करंट या इंड्यूस ई हम इसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर सकते हैं वो क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो फर्स्ट वन कि हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करें या जिस मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं वो मैग्नेट स्ट्रांग हो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हम ग्रेटर नंबर ऑफ़ टर्न्स यूज़ करेंगे अगर कोई कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में, में रोटेट कर रही है उसके नंबर ऑफ़ टर्नस ज़्यादा हों जितनी नंबर ऑफ़ टर्न्र्न्र्न्र्न्र्न्स ज़्यादा होंगी तब भी हमारे पास उसमें ई एम एफ़ इंडियूस ज़्यादा होगा जनरेटर के केस में हम ये रिलेशन देखेंगे नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास उस कंडक्टर में ज़्यादा हो हम उसको ज़्यादा स्पीड से मूव करें कम टाइम में फ्लक्स चेंज ज़्यादा हो तो तब भी हमारे पास जो इंड्यूस करंट होगा या इंड्यूस ई एम एफ होगा उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगी तो ये मैंने उसी बात को लिख रहा हूँ कि हम लूप को मूव करें फास्टर तब भी ये पॉसिबल है और इलेक्ट्रो मैगनेट के केस में हम ये देखेंगे कि हमारे पास करंट को रैपिडली चेंज किया जाए तो जितना रैपिडली हमारे पास करंट चेंज होगा उतना रैपिडली हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली जो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर जाएगी तो जब भी कोई एमसीक्यू ऐसा आए तो आपने पॉसिबिलिटीज़ को देखना है कि क्या क्या वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे हम इंड्यूस करंट और ई की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें कि हमारे पास अगर एक बार मैग्नेट को ड्रॉप किया जाए एक क्लोज कंडक्टर के ऊपर लेट से एक रिंग है तो जब वो कंडक्टर की तरफ मैग्नेट मूव करेगा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा फ्लक्स के इंक्रीज करने की वजह से मीन्स फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस कंडक्टर में या रिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी प्रोड्यूस होगा सर्कट क्लोज है हम कहेंगे दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं एक इंड्यूस करंट भी प्रेजेंट है और इंड्यूस ईएमएफ भी प्रेजेंट है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रिंग है ये क्लोज ना हो ये रिंग ओपन हो क्या तब भी दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होंगी अगर ये रिंग क्लोज ना हो रिंग ओपन हो क्या तब भी करंट और ई इंड्यूस होगा याद रखिएगा कि अगर ये सर्किट ओपन हो तो ई इसमें इंड्यूस होगा इसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव जरूर होगा लेकिन सर्किट अगर ओपन है तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये एम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओपन रिंग के अंदर इंड्यूस करंट की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी लेकिन इंड्यूस ई की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो नहीं होगी ये वही पॉइंट है कि इंड्यूस ई एम एफ रजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता लेकिन इंड्यूस करंट रजिस्टेंस पर डिपेंड करता है ओपन सर्किट की रजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है उस वजह से करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो आप इसको ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के केस में ले सकते हो कि ओपन सर्किट में दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं या एक एक इंड्यूस ई और क्लोज सर्किट में दोनों प्रेजेंट होंगे करंट भी और ई भी नेक्स्ट हम फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड और वो हमारे पास है मोशनल ई नाम से पता चलता है कि मोशनल ई क्या है मीन्स जब किसी कंडक्टर में किसी कॉयल में मोशन की वजह से ई एम इंड्यूस हो चाहे वो मोशन लीनियर हो चाहे रोटेशनल हो ई एम इंड्यूस मोशन की वजह से हो डैट इज़ कॉल्ड मोशनल ई एम जनरेटर में हम यही देखते हैं कि कॉयल रोटेट करती है और तब ई एम इंड्यूस होता है अब यहाँ जो टॉपिक हमारी बुक में डिस्कस होता है वो ये है कि दो कंडक्टिंग रेल्स हैं और इन कंडक्टिंग रेल्स को हम अटैच कर देते हैं एक गिल्वानोमीटर के साथ और इन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर प्रेजेंट है एक स्लाइडिंग कंडक्टर कोई भी स्लाइडिंग स्ट्रिप है अब जब इसको प्लेस करेंगे सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा इसके अलावा इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जो परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन है अब अगर हमें यह कहा जाए कि इस कंडक्टर को मूव करवाएं मीन्स हम इसको इनपुट एक एनर्जी देते हैं और मूव करवाते हैं टूवर्ड्स तो गलेवेनोमीटर तो क्या होगा इस कंडक्टर की मूव करने की वजह से इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज इस कंडक्टर के अक्रॉस ई को इंड्यूस करेगा तो मैं अगर यहाँ राइट हैंड रूल अप्लाई करूँ कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में फिंगर्स कंडक्टर जिस तरफ मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी के अलॉन्ग टर्म तो ये मेरे पास जो एरो है ये पाम की डायरेक्शन में होगा और ये मैग्नेटिक फोर्स होगी जो चार्ज पर अप्लाई होगी अलॉन्ग दर्म कंडक्टर तो जब चार्ज मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी तो ए से पॉजिटिव चार्ज अवे मूव करने की वजह से ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी से वो नेगेटिव हो जाएगा और बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो रहे हैं तो बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज की मूव करने की वजह से जब वहाँ पर चार्ज पॉजिटिव एक्सेस हो जाएंगे तो बी क्या बन जाएगा पॉजिटिव मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में थम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स तो जो पाम होगा वो अलॉन्ग द कंडक्टर फ्रॉम ए टू बी होगा और इसकी वजह से ई इंड्यूस होगा और करंट जो सर्कट में प्रोड्यूस होगा फ्राम बी टू ए होगा और ये जो करंट है दैट इज़ इंड्यूस करंट और ये जो क्लैरिटी डेवलप हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमारे पास इंड्यूस ई है जिसको यहां पर हम मोशनल ई का नाम देंगे तो मोशनल ई क्या है और ये मैं रूल आगे जाके दोबारा एक्सप्लेन भी करूँगा तो वहां भी क्लियर हो जाएगा मोशनल ई इज द ई एम प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन आ मैग्नेटिक फील्ड और हम यहाँ पर अगर कॉज की बात करें तो क्या कहेंगे कि उस मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज वहाँ पर ईएमएफ को इंड्यूस करेगा करंट को इंड्यूस करेगा और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज़ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ तो यहाँ पर अब कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करेगा अगर हम वेरिएबल्स को देखें जिन पर डिपेंड करेगा तो हमारे पास विलोसिटी है कंडक्टर की कंडक्टर की लेंथ एल है मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसके अलावा एंगल थीटा है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड तो फार्मूला अगर मैं लिखता हूँ तो फार्मूला होगा ई इज़ इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा और यहाँ नेगेटिव साइन आता है जो आगे लेंजे लॉ में पढ़ेंगे जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और ई एम एफ को रिप्रेजेंट करेगा और वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमेशा इंड्यूस करंट अपने कॉज को अपोज करेगा कैसे ये लेंजे लॉ में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो मुश्किल नहीं होगा डाटा गिवन होगा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और एंगल हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे अगर साइन थीटा की वैल्यूज़ हमें पता हैं हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं कई दफ़ा डिपेंडेंस का क्वेश्चन आता है तो ये सिंपल है कि किन किन वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है मैं पहले बता चुका हूँ विलासटी पे मैग्नेटिक फील्ड पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इसके अलावा ये एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा क्योंकि साइन थीटा के साथ डायरेक्ट लेशन है और एंगल थीटा किन वेरिएबल्स के दरमियान है एंगल थीटा इज बिटवीन विलासटी जो कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी जो डायग्राम बनी हुई है अगर आप वहाँ पर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के इन्वर्ट है और विलासटी उसके परपेंडिकुलर है मीन्स हमारे केस में जो एंगल होगा वो नाइन्टी होगा नेगेटिव साइन को बता दूँ दोबारा नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताएगा इंड्यूस करंट और ई की और ये एक्सप्लेन कौन करेगा लेंजेज लॉ अब मैं यहाँ राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन कर दूँ जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो फिंगर्स हमारे पास होंगी राइट हैंड की वो रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को जो थम होगा वो शो करेगा मोशन ऑफ कंडक्टर मीन्स वेलोसिटी को तो जो पाम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फ़ोर्स को जो चार्ज पर अप्लाई होगी और अगर हम इस रूल को अप्लाई करें तो ये मैग्नेटिक फ़ोर्स जो चार्ज पर अप्लाई हो रही है ये अलॉन्ग द कंडक्टर जब अलॉन्ग द कंडक्टर फोर्स लगेगी तो चार्ज के मूव करने की वजह से हमारे पास वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप होगा जहाँ से पॉजिटिव चार्ज अवे चला जाएगा वो नेगेटिव बन जाएगा और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा जो एंड बी है वो पॉजिटिव बन जाएगा तो कभी भी आपने किसी कंडक्टर पे अप्लाई करना हो रूल तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि एलेक्ट्रो इंडक्शन में मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पर अप्लाई होगी वो अलॉन्ग द कंडक्टर होगी और ये हमें करंट की डायरेक्शन को बता रही होगी कि करंट किस डायरेक्शन में है और इसी से पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज अवे मूव कर रहा है तो कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा एंड नेगेटिव होगा तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ए से अवे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस वजह से ए एंड नेगेटिव और बी पॉजिटिव होगा ए पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें कि अगर आप, आपके पास वी और बी में एंगल नाइन्टी हो तो जो ई इंड्यूस होगा या मोशनल ई होगा वो मैक्सिमम होगा और वो किसके इक्वल माइनस वी बी एल तो कई दफ़ा हमारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं कि एंगल 90 होता है वो स्टेटमेंट से पता चल जाता है तो मैक्सिमम ई एम एफ कैलकुलेट करना हो तो सिंपल हम नेगेटिव वी बी एल से उसे कैलकुलेट कर लेंगे और अगर हमारे पास ये एंगल ज़ीरो हो या एंगल हमारे पास वन एटी डिग्री हो मीन्स हमें वो ये कहे कि कंडक्टर मूव कर रहा है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उस केस में साइन जीरो जीरो साइन वन एटी जीरो तो ई एम एफ इंड्यूस क्या होगा मिनिमम और कितना होगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा और इसके अलावा कोई भी एंगल और हो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यूज़ पता है तो आप इजीली इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जैसे साइन थर्टी वन बाई टू ईमएफ हाफ हो जाएगा तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ थीटा ई एम एफ विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू तो डायरेक्ट भी आप बता सकते थे सॉल्व करने के लिए ई e की जगह वी बी एल साइन थीटा पुट कर दें मैक्सिमम की जगह ई e की जगह वी बी एल पुट कर दें तो वी बी एल कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा वन बाय टू के इक्वल आ जाएगा तो साइन राइट right पे जाके इन्वर्स तो थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स वन बाई टू तो साइन की वैल्यू वन बाई टू किस एंगल पे होती है दैट इज़ थर्टी जिसको पाई बाय सिक्स भी कहा जाता है तो यहाँ याद रखें साइन थर्टी और कॉस सिक्सटी इक्वल होते हैं वन बाई टू के नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग मोशनल ई हमारे पास एक रीजन में एक प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है हम कह देते हैं कि लेट से वो मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन डायग्राम देना लाजमी नहीं है स्टेटमेंट जो होगी उस स्टेटमेंट को सुने उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रा करें मैंने क्या कहा एक रीजन में किसी भी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ड टू प्लेन और वहाँ पर एक कंडक्टर प्रेजेंट है जिसकी लेंथ एल है मैंने सर्कल से कंडक्टर को मेंशन कर दिया और जो मैंने प्लेन यहाँ पर हॉर्जोंटल ड्रॉ किया इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया कि वो प्लेन के इनवर्ड है इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर जो भी सर्फेस हमारे पास होगी तो अब हमने क्या करना क्या करना है कि इस कंडक्टर को मूव करवाना है तो कंडक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन के के साथ एंगल थीटा पे मूव करता है तो प्लेन का एंगल वेलोसिटी के साथ गिवन है या वेलोसिटी का एंगल प्लेन के साथ गिवन है वो थीटा हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है ई कितना इंड्यूस होगा अब मैं आपको वेरिएबल्स दे देता हूँ कुछ वैल्यूज जिससे आप इनको कैलकुलेट कर सकें वैल्यूज़ ये हैं कि वेलोसिटी जिसे कंडक्टर मूव कर रहा है वो पॉइंट वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पॉइंट टू फाइव टेस्ला है जो कंडक्टर की लेंथ है वो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है और जो एंगल थीटा बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड प्लेन वो थर्टी डिग्री है ई एम एफ कितना इंड्यूस होगा अब यहाँ पर अगर तो आप ई एम एफ के फार्मूला के अंदर थर्टी डिग्री यूज़ कर लेंगे तो आपके पास आंसर गलत आएगा उसकी रीज़न ये कि हमारे फार्मूला में ईज इक्ल टू वी बी एल साइन थीटा में एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है और हमें जो एंगल यहाँ पर गिवन है वो प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ गिवन है तो हम अगर ओवरऑल वेलोसिटी और बी के दरम्यान तो एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ नाइन्टी है और वेलोसिटी का प्लेन के साथ थर्टी है तो ओवरऑल एंगल ये जो बनेगा बिटवीन वी एंड बी ये कितना बनेगा ये आपका नाइनटी प्लस थर्टी बनेगा तो हमारा जो फार्मूला होगा उस फार्मूला के अंदर वी बी एल साइन नाइन्टी प्लस थर्टी आएगा लेट से मैं थीटा लिख देता हूँ अब हम जानते हैं कि साइन नाइन्टी प्लस थीटा ये किसके इक्वल होता है कॉस थीटा का तो रिज़ल्ट आ जाएगा वी बी एल कॉस थीटा अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें आपका रिज़ल्ट ठीक आएगा और अब जो थीटा आपने पुट करना है वो थर्टी पुट करना है या आप ये भी कर सकते थे कि नाइन्टी प्लस थर्टी वन ट्वेंटी ले लेते ले ले और साइन वन ट्वेंटी फाइन कर लेते ले लेकिन अब हम उसको कन्वर्ट करके लिख चुके हैं तो थीटा आप थर्टी पुट करेंगे b.5 पॉइंट फाइव वन ओवर टू है b.25 पॉइंट टू फाइव वन ओवर फोर है लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे हंड्रेड से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए और एंगल कितना है थर्टी तो कॉस थर्टी लिख देंगे अब जो यहाँ पर सॉल्व आपसे हो सकता है उसको करें ट्वेंटी फाइव ओवर हंड्रेड ये वन ओवर फोर आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में फोर इंटू फोर इंटू टू फोर इंटू फोर सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू आ गया और जो कॉस थर्टी होता है ये अंडर रूट थ्री बाई टू होता है और आप अंडर रूट थ्री बाई टू को यहाँ पर लिख सकते हो पॉइंट एट डबल सिक्स क्योंकि यहाँ पर पॉइंट एट डबल सिक्स से इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होगा अब पॉइंट एट डबल सिक्स को मैं क्या करता हूँ एटी सिक्स पॉइंट सिक्स लिखता हूँ जब एटी सिक्स पॉइंट सिक्स लिखूंगा तो साथ टेन डिज टू पार नेगेटिव टू मल्टीप्लाई होगा अब डिवाइड करना है थर्टी टू से अब आप एटी सिक्स और थर्टी टू को ईजिली सॉल्व कर सकते हो चाहे टू से सॉल्व कर लें चाहे फोर से जैसे आपको ईजी लगे टू से मैं अगर करूँ तो नीचे सिक्सटीन और ऊपर आपके पास क्या आएगा फोटी थ्री अब सिक्सटीन और फोर्टी थ्री मल्टीपल नहीं है तो अप्रोक्सीमेशन करें आप फोटी थ्री की जगह फोर्टी फोर ले लें फोटी टू ले लें ले, जिससे आप इसको ईज़ीली सॉल्व करो तो टू इंटू एट सिक्सटीन और अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ फोर्टी फोर तो ट्वेंटी टू आ जाएगा अब टू इंटू फोर एट और इलेवन अब एलेवन बाई फोर को सॉल्व करना आसान है तो मेरी हमने एक बड़े नंबर को छोटे में कन्वर्ट कर लिया 4 2, 8, 3, तो फोर इंटू टू एट रिमाइंडर क्या है थ्री तो थर्टी हुआ तो फोर इंटू सेवन ट्वेंटी एट तो आंसर क्या आ गया टू पॉइंट सेवन इंटू टेन डिज़ टू पार नेगेटिव टू और ई एम एफ है तो यूनिट क्या होगा वॉल्ट तो आपने अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना है कि जितनी आसान हो सके अप्रोक्सीमेशन से उसको आसान करें और फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो आपकी चार ऑप्शन में जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वहाँ पर आ जाएगा एक चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि इवन अगर आप इस क्वेश्चन में पावर को कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो पावर वी स्के रोवर आर होता है वी को रिप्लेस कर दो ई एम एफ से तो यह आ जाएगा पावर इज इक्वल टू ई स्के रोवर आर तो इस क्वेश्चन में अगर आपको मैं सिर्फ रेजिस्टेंस दे देता कि उस कंडक्टर की जिसकी लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है तो पावर कैलकुलेट करनी होती तो सेम मेथड था जो ई एम एफ आपने कैलकुलेट किया उसके स्क्र को डिवाइड कैसे कर देते आप रेजिस्टेंस से नेक्स्ट टॉपिक फेरेडि लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैगनीटिक इंडक्शन फेरेडिज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैगनीटिक इंडक्शन बड़ा एक सिंपल सा लॉ है जिसको हम स्टार्ट में बात कर चुके हैं कि ई एम एफ का तो इंड्यूस होना है ये डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे इसी तरह जो करंट इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैगनीटिक फ्लक्स पर तो यही हमारे पास फेरेडिज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट है तो यहाँ पर अगर हम इसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं कि स्टेटमेंट क्या होगी तो स्टेटमेंट हमारे पास होगी इंड्यूस ई एम एफ प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर और इन अ कॉयल कि कंडक्टर स्टेट भी हो सकता है एक कॉयल भी हो सकती है कुछ भी हो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जितना किसी कंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा उतना हमारे पास ई एम एफ भी उस कंडक्टर में उस कॉल में उस लूप में ज्यादा होगा जो मैथमेटिकली इसको लिखें तो ई प्रपोर्शनल टू डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी लिखा जाएगा और यहां पर हम जब कांस्टेंट की बात कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट में आप देखोगे कि यहां पर एन आता है और एन उस कंडक्टर की या उस कॉयल की या उस लूप की नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करेगा तो मैथमेटिकल रिलेशन ई इज इक्वल टू नेगेटिव एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी वो लिखेंगे अभी उससे पहले क्या हम रिलेशन को लिखें हम इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो वही कंडक्टिंग रेल्स वाला मैं केस दूंगा कि कंडक्टिंग रेल्स हैं अटैच हैं एक गलवानो के साथ और इन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर एक मूवेबल कॉपर स्ट्रिप प्रेजेंट है या मूवेबल कंडक्टर प्रेजेंट है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के इन्वर्ट है उसको मैं यहाँ पर क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो हम जानते हैं कि जब कंडक्टर मूव होगा तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा लेट्स से कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज एल और हम इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं कितना डिस्टेंस डेल्टा एक्स अब कंडक्टर को जब हम डेल्टा एक्स मूव करवाएंगे तो हमारे पास एक रीजन आएगा एक सरफेस एरिया आएगा और ये वो सरफेस एरिया होगा जहाँ पर उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहें तो लेंथ को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा ए ये वो एरिया है जहाँ फ्लक्स चेंज हुआ कंडक्टर के मूव करने की वजह से तो डेल्टा ए को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर डेल्टा ए को लिखेंगे दैट इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा एक्स ज़्यादा मूव करवाएंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा ए इंक्रीज़ कर जाएगा और ये चीज़ हम इस फार्मूला के अंदर भी देखेंगे कि डेल्टा ए कहाँ इन्वॉल्व होगा तो ई एम एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये तो हमारे पास रिजल्ट आ गया उसकी स्टेटमेंट से और हम जब इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं इसको E इज़ इक्वल टू नेगेटिव n. एक स्टेट कंडक्टर के केस में n कितना होगा वन और बाकी वेरिएबल वही होगा डेल्टा फाइव मीन्स चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाई डेल्टा t. अब डेल्टा फाइव को हम रिप्लेस करेंगे फ्लक्स का फार्मूला होता है बी डॉट ए डॉ प्रोडक्ट है या बी ए कॉ सीटा आगे जाके लिखेंगे हम इसको लिख देते हैं बी डॉट डेल्टा ए हमने जो एग्जाम्पल ली वहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है डॉप प्रोडक्ट को ओपन करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉसिटा बी डेल्टा ए कॉसिटा डिवाइड बाय डेल्टा टी वो लाजमी नहीं होता कि डेल्टा ए आए ऐसे केस भी होंगे जहाँ बी चेंज होगा तो वहाँ डेल्टा बी होगा ऐसे केस भी होंगे जहाँ दोनों चेंज होंगे तो डेल्टा बी इन डेल्टा ए आ जाएगा अब ये एंगल क्या है फ्लक्स को हमने लास्ट यूनिट पढ़ा ये एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया होता है और हम अगर डायग्राम को देखें तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर वेक्टर एरिया हमारे पास अपवर्ड मैग्नेटिक्ड इनवर्ड एंगल 180, और अगर वेक्टर एरिया डाउनवर्ड फिर एंगल जीरो तो अगर हमारे पास एंगल जो हो वो जीरो हो तो कॉस जीरो वन तो फार्मूला सिर्फ रह जाएगा एन डेल्टा बी ए ओवर डेल्टा टी तो यहां पर एक कंडीशन कर दूं कि इफ़ कॉल इज़ सर्कुलर कि अगर कॉयल सर्कुलर हो तो फिर एरिया क्या होगा ऑब्वियसली पाई आर स्केर से उसको रिप्लेस कर रहे होंगे और वहाँ कंडीशन होगी कि क्या चीज़ चेंज हो रही है जिसकी वजह से एरिया चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल्स गिवन होंगे हम वहाँ सब्सिट्यूट डेल्टा एक की जगह कर देंगे इस फार्मूला में नेगेटिव साइन भी शो करेगा डायरेक्शन ऑफ इंडियूस ई एम एफ और करंट को और ये लेंजे लॉ से हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे अब यहाँ पर हम एक चीज़ रिवाइज कर लें कि हमारे पास जो फ़्लक्स होगा वो कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होगा क्योंकि जब तक हम ये नहीं पता चलेगा कि फ्लक्स प्रेजेंट है या नहीं है हम ई एम एफ के इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते तो फर्स्ट करें एक प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अफर्ड है और यहाँ पर एक कॉयल प्रेजेंट है और किस तरह से प्रेजेंट है कि हमारे पास उस कॉयल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है लेकिन उसका जो वेक्टर एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो अगर तो वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा या प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो हमारा जो एंगल होगा वो जीरो डिग्री होगा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड बी और इस केस में कॉ जीरो वन तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा वो मैक्सिमम होगा तो हमारा जो रिलेशन होगा ई का वो क्या लिखा जाएगा एन बी डेल्टा ए या डेल्टा बी इन टू एवर टी लेकिन अगर मैं इसी केस में ये मेंशन करूं कि हमारे पास जो कॉयल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के अलाग है तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अलाग है प्लेन तो इस केस में जब मैं वेक्टर एरिया ड्रा करूंगा तो वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा तो हमारा जो एंगल होगा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड बी वो नाइन्टी होगा कॉज नाइन्टी जीरो इसका मतलब अब चाहे जितना मर्जी फील्ड चेंज कर दें चाहे जितना मर्जी एरिया चेंज कर दें ईम एफ इंड्यूस नहीं होगा तो फेरेडिस लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये लाजमी चेक कर लीजिएगा कि क्या फ्लक्स प्रेजेंट है या नहीं है अगर फ्लक्स प्रेजेंट नहीं होगा तो जो मर्जी चेंज हो हमारे ई जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू जीरो आएगी एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ जो मैं लास्ट यूनिट में भी दी कि अगर आपको कहा जाए कि प्लेन ऑफ कॉल इज़ पैरल फेसेस ऑफ अ मैग्नेट कि अगर ये कोयल का जो प्लेन है वो पोल फेसेस जो मैग्नेट के हैं उसके पैरल है तो क्या ई इंड्यूस होगा मतलब कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो चेंज हो रहे हैं वो चीज़ मैं बात बाद में करूँगा फिलहाल इतना पूछा कि क्या अगर कॉयल की ये पोजीशन हो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा तो पहले क्या करें ड्रॉ करें कि हमारे पास अगर ये दो मैग्नेटिक पोल्स हैं तो इनके मैग्नेटिक पोल्स के जो पोल फेसेस हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया इसके बिल्कुल पैरेलल हमारे पास क्या प्रेजेंट है कोयल है और कोयल का जो प्लेन है वो इन पोल फेसिस के जिसको तो मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया उसके पैरल है तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर कोयल का प्लेन इन पोल फेसिस के पैरल होगा तो वेक्टर एरिया उस कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होगा तो अगर ये वाइट से मैं वैक्टर एयल ड्रा करूँ तो उसका वैक्टर एरिया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के क्या है अलोंग तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है तो एंगल कितना है जीरो मीन्स फ्लक्स मैक्सिमम तो यहाँ पर इंड्यूस ई एम एफ अगर होगा तो वो भी क्या होगा मैक्सिमम होगा लेकिन अगर हम स्टेटमेंट को चेंज करते हैं और यहाँ पर यह कह दें कि हमारे पास जो वेक्टर एरिया है वो पैरेलल है पोल फेसेस के मींस कॉइल रोटेट हो गई नाइन्टी नाइन्टी पे रोटेट होगी तो तब भी हमारे पास जो वेक्टर एरिया आएगा वो पोल फेसेस के पैरेलल आएगा तो उस केस में हमारा एंगल कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ नाइन्टी और कॉस नाइन्टी जीरो तो ई एम एफ इंड्यूस नहीं होगा और ये बात हम आगे जनरेटर में पढ़ते हैं कि एंगल चेंज होने से हमारे पास जब साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो रही होती है तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो और वन एटी पर नहीं होगा नाइन्टी टू सेवेंटी पे मैक्सिमम होगा तो डायग्राम से भी इसको देख सकते हो कि अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल हैं और मैं यहाँ पर एक कॉयल को ड्रा करता हूँ तो कोयल का जो वैक्टर एरिया है वो हमारे पास पोल फेसिस के साथ पैरल है तो पोल फेसिस के अगर वो पैरल होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड वो तो टुवर्ड्स राइट right है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर एरिया का उस मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना है 90 और कॉज 90 ज़ीरो तो चाहे जितना मर्जी फील्ड को चेंज करते रहें एरिया चेंज करते रहें इस केस में ई एम इंड्यूस नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप भी हो सकते हैं थोरेटिकल भी हो सकते हैं तो आपको अगर फ्लक्स का आइडिया है कि कहाँ फ्लक्स मैक्सिमम कहाँ मिनिमम आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एक चीज यहां पर नोट कर लें कि अगर आपको यहां पर भी फेरेडि लॉ में ईएमएफ की जगह करंट फाइंड करना हो तो करंट फाइंड करने के लिए आप ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर तो I इज इक्वल टू वी ओवर आर और पावर कैलकुलेट करनी होगी तो पावर इज इक्वल टू ई स्केयर ओवर आर से पावर भी कैलकुलेट हो जाएगी एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू फेरेडेज लॉ और कैसे पता चलेगा फेरेडेज लॉ के फार्मूला से होगा डेटा ऐसा गिवन होगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फेरेडेज लॉ से ही ये सॉल्व होना है एक लूप है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स फाइव मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रेजेंट है जो पास कर रहा है उस लूप में से डेट इज़ पॉइंट फाइव टेस्ला ये भी कहा जा सकता है कि एक लूप है हमारे पास नंबर ऑफ टन उसकी फाइव है और जिस रीजन में वो प्रेजेंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट फाइव टेस्ला हमें यह कहा गया कि जो उस लूप का या उस कॉयल का एरिया है वो श्रिंक हो रहा है मीन्स एरिया चेंज हो रहा है किस रेट पर एट द रेट ऑफ टेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड मीनस तो ये आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया गिवन डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी और साथ ये कह दिया गया कि जो प्लेन है उस कॉइल का वो प्लेन हमारे पास क्या है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड करें कि हमारे पास ई एम एफ इंड्यूस होगा तो कितना होगा और यूनिट होना चाहिए हमारा वोल्ट पहले तो ये चेक करें कि प्लेन ऑफ कॉल अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या हमारे पास फ्लक्स भी होगा कि ये एम एफ इंड्यूस हो तो क्वेश्चन सॉल्व बाद में करें पहले इस कंडीशन को चेक कर लें तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए आप ड्रा करेंगे लेट से ये हमारे पास वो लूप है या कॉल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स फाइव हैं अब हमें कहा गया कि इसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के तो अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड तो नज़र आ रहा है कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन के अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर एरिया के वो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होती हैं ये मैंने लास्ट यूनिट में मैग्नेटिक फ्लक्स में बताया था तो अगर वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल तो आपका एंगल क्या ज़ीरो मीन्स ई एम इंड्यूस होगा और मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा तो फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे हम ई इज़ इक्वल टू एन बी डेल्टा ए कॉज और यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है फाइव एन को रिप्लेस कर दें फाइव से मैग्नेटिकील्ड कितनी गिवन है पॉइंट फाइव टेस्ला डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी सेंटीमीटर स्केयर में कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर स्केयर को कन्वर्ट करेंगे तो टेन रिज टू पार नेगेटिव फोर मल्टीप्लाई होगा तो टेन इंटू टेन रिज टू पार नेगेटिव फोर अब आगे कैलकुलेशन ईजी है फाइव को पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे टू पॉइंट फाइव फाइव का हाफ और टेन इंटू टेन एज टू पार नेगेटिव फोर टेन रिज टू पार नेगेटिव थ्री और यूनिट यहाँ पर वॉल्ट होगा सेम क्वेश्चन में अगर वो कहता कि प्लेन ऑफ कॉयल पैरल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के तो फिर आपका एंगल नाइन्टी होता कॉज नाइन्टी जीरो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी डायरेक्ट आप कह सकते थे कि इंड्यूस ई की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो होगी तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने यहाँ पर मैं आपको एक और स्टेटमेंट बता दू फेडरज लॉ की फॉर एन नंबर ऑफ लूप्स तो उसकी स्टेटमेंट यूँ लिखी जाएगी कि एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग कोयल ऑफ एन लूप्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोयल इज चेंजिंग विद टाइम मीन्स मैंने जो साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ इज इक्वल टू माइनस एंड डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जो एवरेज इंड्यूस ई होगा किसी भी कंडक्टिंग कॉयल में जिसकी एन नंबर ऑफ टनस हैं एन लूप्स हैं वो इक्वल होगा नेगेटिव नेगेटिव शो करेगा डायरेक्शन ऑफ ई को किसका नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हो रहा है एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू फेरड लॉ हमारे पास एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है टुवर्ड्स राइट right. ये भी कह सकते हैं टुवर्ड्स एक्स एक्सिस उस रीजन में हमारे पास एक कंडक्टर प्रेजेंट है एक कोयल प्रेजेंट है जिसका एरिया फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्यर है अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन इसका मतलब हम वन लेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली वन पॉइंट फोर टेस्ला है जो चेंज होकर हो जाती है टू टेस्ला और जो कॉयल है उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ थर्टी डिग्री पर है अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई ये विद इन पॉइंट फाइव सेकेंड हुई तो फाइंड करें कि उस कंडक्टर में उस लूप में ई एम एफ कितना इंड्यूस होगा अब यहाँ पर इंड्यूस ई एम एफ फाइन करने के लिए हमारा जो रिलेशन होगा फेरडेज लॉ का नेगेटिव एन डेल्टा बी ए काज थीटा ओवर डेल्टा टी होगा अब यहाँ जो वेरिएबल्स गिवन है उन वेरिएबल्स को ध्यान से देखें नंबर ऑफ टन बी एंगल थीटा और टाइम अब हमारे पास जो एंगल है क्या वो 30 यूज होगा इस केस के अंदर नो no. हमें पता है कि इस फार्मूला में जो एंगल है दैट इज बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड जबकि हमें जो एंगल गिवन है वो प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ गिवन है तो हम क्या करेंगे इस कॉयल का वेक्टर एरिया ड्रा करेंगे तो आप डायग्राम से देख सकते हो कि वेक्टर एरिया का जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री नहीं है ओवरऑल प्लेन का आप वेक्टर एरिया से देखो 90 है तो 90 में से 30 सेपरेट करेंगे तो तब एंगल आएगा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड तो कितना होगा 90 माइनस थर्टी सिक्सटी डिग्री तो एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना है 60 है तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो एंगल गिवन होगा आपको क्या वही है जो हमारे फार्मूला के अंदर है या नहीं है तो अगर ना हो तो फिर उसको फाइंड करें और प्रॉपर एंगल को सब्सिट्यूट करें बाकी इस क्वेश्चन में कोई ऐसा मसला नहीं है क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते बस डाटा सब्सिट्यूट करना है नंबर ऑफ टनस नहीं गिवन तो मीज़ हमारे पास उसकी वन लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज टू और वन पॉइंट फोर का डिफरेंस ये पॉइंट सिक्स आ जाएगा एरिया फिफ्टी सेंटीमीटर स्केयर फिफ्टी टेन टू सुपर नेगेटिव फोर आ जाएगा एंगल सिक्सटी कॉस सिक्सटी टाइम पॉइंट फाइव और पॉइंट फाइव को हम लिख सकते हैं वन ओवर टू अब मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट सिक्स को मल्टीप्लाई फिफ्टी से करें तो फाइव इंटू सिक्स हमें पता है थर्टी है पॉइंट सिक्स इंटू फिफ्टी वो भी थर्टी होगा कॉ सिक्सटी वन बाई टू नीचे वन बाय टू यह कैंसल आउट हो जाएंगे तो बाकी मल्टीप्लीकेशन है तो फिफ्टी इंटू पॉइंट सिक्स क्या होगा थर्टी तो थर्टी के साथ टेन रेज टू पार नेगेटिव फोर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं थ्री टेन रेजारी और यूनिट क्या होगा वॉल्ट तो इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था वो एंगल है कि जो एंगल क्वेश्चन में गिवन हो उसी को डायरेक्ट सब्सिट्यूट ना कर देना क्वेश्चन को पढ़ना डायग्राम ड्रा करना रफ डायग्राम ड्रा करें और देखें कि एंगल कौन सा गिवन है और हमने उसको कैसे सॉल्व करना है नेक्स्ट बच्चे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स को क्योंकि वहाँ पर भी हम जो रिजल्ट है उसको फेरेडेज लॉ से ही फाइंड करते हैं तो फेरेटेज लॉ हर जगह अप्लाई होगा क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहीं भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ये अप्लाई होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन की मैं यहाँ बात करूँगा और म्यूचुअल इंडक्शन को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है और ट्रांसफार्मर हमारे सिलेबस में है तो दो कंडक्टिंग हमारे पास लूप्स हैं या दो सोलिनलाइट्स हैं इस तरह से प्रेजेंट हैं कि उनके जो प्लेन हैं वो एक दूसरे के पैरल एक को हमने अटैच कर दिया है वेरिएबल बैटरी से मीनस उसका करंट चेंज होगा और दूसरी कोयल को हमने अटैच कर दिया है से तो जो हमारी प्राइमरी कोयल होगी वो वो होगी जहाँ पर हम करंट को चेंज करेंगे जहाँ पर हम इनपुट देंगे और ये जो करंट का चेंज होगा ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कोयल से भी पास कर रही होंगी तो प्राइमरी कोयल म्यूचुअल इंडक्शन में वो जहाँ पर इनपुट है जहाँ पर आप करंट को चेंज कर रहे हो और सेकेंडरी कोयल वो जो आपके पास अंडर ऑब्जर्वेशन है जहाँ पर आप ई जो इंड्यूस होगा उसको फाइंड करेंगे तो प्राइमरी में हमने करंट को चेंज किया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ प्राइमरी सेकेंडरी में दोनों में और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा ये प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी में ईएमएफ को तो रेफरेंस अगर सेकेंडरी है तो हम कहेंगे कि एक ऐसा फिनोमेना जहां पर सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ हो प्राइमरी में करंट के चेंज होने की वजह से फार्मूला क्या होता है नेगेटिव एम डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी या नेगेटिव एम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जिसका फार्मूला होता है नेगेटिव एम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी तो म्यूचुअल इंडक्शन का जो रिजल्ट हमारे पास होगा दैट विल बी नेगेटिव एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी इसमें एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है उन दो कॉइल्स की डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है प्राइमरी का तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी का ज़्यादा होगा उतना सेकेंडरी में ई एम एफ इंड्यूस भी ज़्यादा होगा और नेगेटिव साइन इंडिकेट किस चीज़ को कर रहा है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ई को जो लेंजे लॉ से एक्सप्लेन होती है और अपने कॉज को अपोज करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस दो दैट इज द कांस्टेंट रेशो बिटवीन ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी नेगेटिव साइन क्यों आता है तो आपको रीज़न पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो हैनरी होता है हेनरी को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे और हेनरी इक्वल होगा वॉल्ट सेकेंड पर अम्पेयर के और आप इवन वॉल्ट पर अम्पेयर को ओहम भी लिख सकते हो तो आप हेनरी को ओहम सेकेंड से भी रिप्लेस कर सकते हो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन देखिए म्यूचुअल इंडक्शन में और सेल्फ इंडक्शन में रेफरेंस का डिफरेंस है फ्लक्स तो चेंज प्राइमरी में भी हो रहा होता है उसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ इंडक्शन में हम एक ही कॉयल लेंगे और उसी कॉयल में अगर हम कहते हैं कि करंट चेंज होता है और करंट का चेंज फ्लक्स चेंज करता है और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से अगर उसमें ई और करंट इंड्यूस होगा दैन दैट फिनिना इज़ सेल्फ़ इंडक्शन तो सेल्फ इंडक्शन में हमारे पास कोई सेकेंडरी कोयल नहीं है एक ही कॉयल जिसमें हम करंट को चेंज करेंगे उसी में फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स का चेंज उसमें ई एम एफ को इंड्यूस करेगा तो चेंज इन करंट फ्लक्स चेंज किया फ्लक्स का चेंज ने ई एम एफ इंड्यूस किया दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन और याद रखिएगा जिस टाइम पे स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं ये भी वो इंटरवल होता है जहां पर फ्लक्स चेंज होता है फार्मूला नेगेटिव एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी और एल यहाँ पर क्या है एल है सेल्फ इंडक्टेंस तो सेल्फ इंडक्टेंस को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी को ई से डिवाइड कर देंगे तो रिलेशन आएगा इट्स अ कॉन्स्टेंट रेशो बिटवीन ई एम एफ इंड्यूस जो स्कॉल में हो रही है टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मैं रिपीट कर दू इट्स अ कॉन्स्टेंट रेशो बिटवीन ई एम एफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेल्फ इंडक्टेंस का भी यूनिट हेनरी होगा जो इक्वल है वर्ल्ड सेकंड पर एम्पेयर के और वर्ल्ड पर एम्पेयर की जगह ओहम लिख सकते हो तो ओहम सेकंड भी लिखा जा सकता है म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो या रखिएगा ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द काल या कॉल्स के ऊपर द म्यूचुअल इंडक्टर्स में ऑब्वियसली कॉल्स को होगा और सेल्फ इंडक्टर्स में एक ही कॉयल है अब ज्योमेट्री के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आती हैं एरिया आता है लेंथ आती है और मीडियम आता है अब ये वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन लेंथ के लिए एल एरिया के लिए ए और मीडियम के लिए म्यू नॉट और अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम होगा तो म्यू आर आ जाएगा परमेबिलिटी सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए और वो है एन फाई ओवर आई और जब यहाँ पर आप फाई की वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हो और करंट की वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हो तो ये रिलेशन आ जाता है म्यू नॉट एन स्क्र ए एल स्मॉल एन नंबर ऑफ टंस पर यूनिट लेंथ और यहाँ पर जब आप स्मॉल एन की वैल्यू को पुट करोगे तो ये रिजल्ट चेंज होकर क्या बन जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एंड स्क्र एवर लेंथ जहां से ये पता चलेगा कि सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन लेंथ के साथ डायरेक्ट नहीं है लेंथ के साथ इसका जो रिलेशन है एक्चुअली वो क्या है इनवर्स है तो अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो ये रिलेशन आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ टनस के स्क्र के साथ डायरेक्ट एरिया से डायरेक्ट लेकिन लेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है एम के लिए एक पॉइंट नोट कर लें कि हमारे पास जो सेल्फ़ इंडक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको बैक ईएमएफ भी कहा जाता है क्योंकि उसी कॉयल में फ़्लक्स चेंज हुआ और उसी कॉयल में ई इंड्यूस हुआ तो उसको बैक ई का नाम देंगे और यहाँ पर भी वो अपने कॉज को अपोज़ करेगा ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि लेंजे लॉ के अकॉर्डिंग किस तरह से वो अपने कॉज को अपोज करेगा और उसी से पता चलेगा कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के फार्मूलाज़ को भी रिवाइज़ कर लेते हैं एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर का जो फार्मूला हमारे पास होता है सबसे बेसिक वो है हाफ़ एन फाए इन टू आई यहाँ पर जब वैल्यू सब्सिट्यूट करते हो फाए की और आई की तो ये रिजल्ट बन जाता है हाफ टाइम एल आई स्क्र और फर्दर हम इसको लिखते हैं हाफ बी स्क्र एल ओवर म्यू नॉट इस फार्मूला में जो ए एल है ये वॉलीम है जो वॉलीम उस कंडक्टर का होगा तो जब हम एनर्जी डेंसिटी को फाइंड करेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉलीम तो जो ए एल है ये वॉल्यूम है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आएगा हाफ बी स्केयर ओवर म्यूनॉट ये याद रखिएगा कि जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंडक्टर में एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है और नॉट की वैल्यू फोर पाए टेन रिस्टू पार माइनस सेवन वेबर पर एम्पेयर पर मीटर